नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें हालत ऐसी होती है रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, जिसके ऊपर बातें भी अक्सर छुप छुप कर की जाती है। जी हाँ, आज बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स के ऊपर। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता आपटे प्रभु और आप देख रहे हैं प्रभु ए 2020। बहुत सारे पेशेंट अक्सर क्लिनिक में आकर कहते हैं, मैडम मुझे बवासीर की तकलीफ है। पर क्या हर पेशेंट को बवासीर की तकलीफ होती है? गुदा भाग में बवासीर यानी पाइल्स के अलावा फिशर इन एनो, फिस्टुला जैसे अन्य विकार भी हो सकते हैं। तो अपने नजदीकी वैद्य की सलाह से पहले ये जान लें कि आपको बवासीर है या फिशर है या फिस्टुला। आज हम बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स की। अब आप सबको लगता होगा ये बवासीर यानी पाइल्स होता क्या है। इसे हम आयुर्वेद में अर्श कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में इसे हीमोरॉयड कहा जाता है। अब ये बवासीर जो है वो होता क्या है? जो गुदमार्ग में ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिकाएं होती है उनको जब सूजन आ जाती है और ये सूजन हाथ को मस्से जैसी या गांठों जैसी लगने लगती है तब उसे बवासीर या पाइल्स या हीमोरॉयड कहा जाता है। ये बवासीर होता क्यों है आपको सुनकर हैरानी होगी। अग्निमांद्य, जाठर अग्निमांद्य यानी खाना अच्छे से हजम ना होना ये बवासीर का सबसे पहला कारण बता है। उसके साथ ही साथ अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना, बहुत देर तक एक जगह पर बैठे रहना, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, स्त्रियों में बारंबार गर्भस्राव या गर्भपात होना, इसके साथ साथ गुदभाग को शीतल जल का स्पर्श होना और सबसे महत्वपूर्ण मलब और मूत्र के स्वाभाविक वेगों को रोक के रखना, इन सभी कारणों की वजह से बवासीर या पाइल्स उत्पन्न होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बवासीर या पाइल्स दो तरीके से बताए गए हैं। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो इसे शुष्क और स्त्रावी। शुष्क बवासीर यानी जिस बवासीर में सिर्फ दर्द होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता, और स्त्रावी यानी जिसमें दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी दिखाई देता है। मेडिकल टर्म्स, मॉडर्न मेडिसिन इसके दो प्रकार और बताते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। अब ये एक्सटर्नल पाइल्स क्या है? गुदभाग के बाहर आपको एक मस्से जैसा या गांठ जैसी चीज हाथ को लगना, इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और इंटरनल पाइल्स क्या है? जब आप मोशन या स्टूल पास करते हो तब उस समय कुछ बाहर आने का फीलिंग होना, इसे कहते हैं इंटरनल पाइल्स। अब सबसे अहम बात जिसका आप सभी बहुत इंतजार कर रहे हो, बवासीर ना हो या अगर बवासीर हुआ हो तो उसके ऊपर कौन से घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात, जो अभी मैंने सब कारण बताए उन कारणों से दूर रहना है। उसमें से पहला कारण कौन सा था? जाठर अग्नि मांद्य। अब ये जाठर अग्नि मांद्य ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे आसान तरीका, घर में अदरक रहेगा तो एक अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक के साथ खाना शुरू होने से पहले चबाकर खाए और उसके बाद अपने भोजन को शुरुआत करें। इससे आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी यानी जाठर अग्नि की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और खाना भी अच्छे से हजम होने लगेगा। दूसरा कारण, एक ही जगह पर काफी देर तक बैठना। कॉर्पोरेट ऑफिसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पर लगातार घंटों तक बैठ के काम होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो? तो फोन में अलार्म लगाकर 45 मिनट्स के बाद जाके एक चक्कर लगा के आ सकते हो। हाँ, ये भी एक और बात है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में या आप कहीं ट्रैवल करते हो, लंबी ट्रैवल है तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो चेयर होती है वो रेक्सिन के कवर वाली होती है, तो ऐसे चेयर पर घंटों तक बैठे रहने से वहाँ उष्णता बढ़ जाती है और वो बढ़ी हुई उष्णता अपने बवासीर या पाइल्स उत्पन्न होने के कारणों में समाविष्ट होती है। तो अगर आपको ऐसी रेक्सिन वाली चेयर पर बैठना है तो उसके ऊपर एक टर्किश का टॉवल या कोई भी कॉटन का कपड़ा फैलाकर उस पर बैठे, उससे जो उष्णता तैयार होगी वो भी कम हो जाएगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। एक्सेसिव जिमिंग या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। इसमें मैं आपको एक पेशेंट की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था बवासीर का ही, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और उनको ऑलमोस्ट 90% तक राहत थी और वो ट्रीटमेंट चालू थी और बीच में ही वो पेशेंट आके मुझे मिले और कहने लगे, मैडम मुझे अभी फिर से तकलीफ पड़ गई है, अब मैं क्या करूं? मैं यही सोच रही थी कि इतने सारे परहेज करने के बाद भी ये पेशेंट की तकलीफ बढ़ी कैसे।
बहुत पूछने के बाद वो पेशेंट ने मुझे बताया, हाँ मैडम 2 दिन पहले मैराथन थी तो मैं मैराथन दौड़ने गया था और उसके बाद मुझे ये दर्द शुरू हुआ। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, एक्सेसिव जिमिंग या व्यायाम ये जो बात बोली है वो सच में ऐसे दिखाई दी। जब आप दौड़ते हो बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद गुद भाग में उष्णता निर्माण होती है और ये बढ़ी हुई उष्णता बवासीर यानी पाइल्स की तकलीफ उत्पन्न कर देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आप जिम में जाते हो या घर में भी एक्सरसाइज करते हो तो वो ऐसा एक्सरसाइज ना हो जिससे शरीर की उष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आगे की और एक बात है वो है कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन है, मोशन करते समय बहुत जोर करना पड़ता है, उन लोगों को भी अक्सर बवासीर या पाइल्स दिखाई देते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय क्या करना है, आप जब खाना खाते हो तो खाने के एग्जैक्ट बीच में, मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाने के बाद आपको 2 चम्मच घी उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाना है और उसे पीना है। ये घी क्या करता है, घी कॉन्स्टिपेशन भी कम करता है और उसके साथ साथ खाना भी अच्छे से हजम करता है। और ये सेंधा नमक क्यों डालना है, आप कहोगे सिर्फ घी खा लूंगा, लेकिन नहीं, सेंधा नमक आप जब उसमें डालते हो तो सेंधा नमक खुद सूक्ष्म गुण का है, मतलब ये सेंधा नमक लिए हुए घी को एकदम सूक्ष्म सेल्स तक लेके जाएगा और उसका रिजल्ट बहुत फास्ट दिखेगा। तो आपको खाने के बीच में 2 चम्मच घृत यानी घी और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के खाना है। और एक बात, कॉरपोरेट ऑफिस में या काम की गड़बड़ में बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपने स्वाभाविक मलमूत्र के वेगों को रोक के रखता है। अगर आप ऐसा करोगे तो उससे बवासीर या पाइल्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो अपने काम से फुर्सत निकाल कर अपने मलमूत्र के स्वाभाविक वेगों का उद्धीरण जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे का उपाय है, अभी मैंने जो आपको प्रकार बताए थे एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स, तो जिनको इंटरनल पाइल्स की तकलीफ है वो अगर सुबह थोड़ा सा गुड़ 1 हरड़ के साथ चबाकर खा सके या फिर 1 से 2 चम्मच काले तिल अगर जल के साथ ले तो उन्हें इंटरनल पाइल्स में बहुत राहत मिलेगी। और एक बात आपने सबने सुनी होगी, द छाछ, जिसको बवासीर है या पाइल्स है उसे हर कोई आके कहता है कि छाछ पियो, लेकिन ये छाछ बनानी कैसी है, किसके साथ लेनी है और कैसे पीनी है, इस सब के बारे में एक अलग वीडियो हमने बनाया है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखें। और एक बात आपको बता दूँ वो है सुरण, आप सभी ने सुना होगा सुरण खाने के लिए हर पाइल्स के या बवासीर के पेशेंट को बोला जाता है। जी हाँ, सुरण को आयुर्वेद में वज्रकंद कहते हैं। ये वज्रकंद नाम क्यों पड़ा, ये सुरण आप जब खाओगे तो वो गुद भाग को वज्र जैसा ताकतवान बना देगा। तो सुरण को सब्जी बनाकर या शैलो फ्राई करके या जैसे भी आपको पसंद हो, लेकिन सुरण की सब्जी जरूर खाए। सबसे अहम बात, आहार यानी खाना, खाने में आपको बहुत तीखी चीजें मसाले वाले पदार्थ ये सब अवॉइड करना है। इसके साथ ही साथ हरी मिर्च की जगह पे आप लाल मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हो। नॉनवेज में चिकन, अंडे, एग्स ये सब आपको अवॉइड करना है। और एक बात, दही, बहुत लोगों को लगता है कि दही ठंडा है, इसके लिए बवासीर के पेशेंट जब ब्लीडिंग होने लगे, दर्द होने लगे तो दही खा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि दही स्वभाव से उष्ण है। तो कौन सा दही का खाना है, कैसे खाना है, इन सब बारे में एक दही का सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखें। इसके साथ साथ एक और चीज़, बवासीर के पेशेंट को अक्सर दर्द होता है, तो ये दर्द कम करने के लिए आप गुनगुने पानी में बैठ के सिड्स बाथ यानी गुनगुने पानी में बैठ कर सेक ले सकते हो। इसके साथ साथ एक और बात है, वो है 2 योग मुद्राएं, अश्विनी मुद्रा और गणेश क्रिया। अपने नज़दीकी योग तज्ञ की सलाह से अगर ये 2 योग मुद्राएं आप सीख लो और उसका इस्तेमाल करो तो जिन्हें पहले से ही बवासीर है उन्हें भी और जो लोग सोचते हैं कि हमें बवासीर ना हो उन्हें भी, दोनों को उसका ज़रूर फायदा होगा। ये रही बवासीर या पाइल्स की जानकारी। अगर आपको बवासीर या पाइल्स पर कुछ भी डाउट है तो वो डाउट आप ये व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।